एवरीवन, वेलकम टू रेस अकेडमी. दिस इज़ श्रुति जैन. फ्रेंड्स, दिस इज़ अ क्लास 26 ऑफ द टॉपिक स्टैटिक जीके. एंड इन दिस क्लास फ्रेंड्स, आई विल बी कवरिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following act provided for the establishment of Supreme Court of India? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से एक्ट के कारण इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. ऑप्शन नंबर ए इज़ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. ऑप्शन नंबर बी इज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ऑप्शन नंबर सी इज़ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781. एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. Right answer to this question is option number B, that is Regulating Act of 1773. अब सबसे पहले हम लोगों को ये पता चल गया कि जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इंडिया की कब इस्टेब्लिश हुई थी, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुई कौन सी ईयर में थी? इस्टेब्लिश इन ईयर 1774. और उसके बाद हुई कहाँ पे थी? एट कैलकटा. और थर्ड थिंग जो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग याद रखनी है इस कि जो इसके अंदर जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस थे, वो थे 3+1. 3 द टोटल नंबर ऑफ जजेस, द अदर जजेस, नंबर ऑफ अदर जजेस, एंड प्लस वन दिस इज फॉर द चीफ जस्टिस. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन नंबर वन एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द सेटलमेंट एक्ट. इन फॉलोइंग में से, फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से एक्ट को सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. ऑप्शन नंबर बी इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ऑप्शन नंबर सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853. एंड ऑप्शन नंबर डी इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. फ्रेंड्स, ये हमारा जो सेटलमेंट एक्ट आया था, अमेंडिंग एक्ट, इसको क्या बोला जाता है? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. इसके अंदर मतलब कुछ इतनी प्रोविजंस नहीं आई थी, बस ये एक वेरीफाई करने के लिए आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. ओके, बस इसके अंडर आप लोग ये याद रख सकते हो कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1774 के अंडर, उसके अंडर जितनी भी ज्यूरिसडिक्शन होगी वो किसकी होगी? सिर्फ जो बंगाल के लोग होंगे उनकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे होगी? अंडर द सुप्रीम कोर्ट. ओके, और है ना, जो यहाँ पे हिंदूज होंगे उनके लिए कौन सा लॉ बनाया जाएगा? फॉर हिंदूज देयर वॉज हिंदू लॉ. एंड मुस्लिम्स के लिए कौन सा लॉ प्रिस्क्राइब करते थे? मुस्लिम्स के लिए करते थे मोहम्मदन लॉ. एंड सेकंड थिंग जो आप लोग इस वाले एक्ट में याद रख सकते हो कि इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल थी, उसके ज्यूरिसडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट से अलग रखा गया था. कि मतलब अगर कोई भी वो एक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, इंडिया में फॉर द गुड ऑफ कॉमन पीपल, तो वो किसके अंडर नहीं आएगा? अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं काउंट किया जाएगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. अब क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने डिफरेंस किया था किसके बीच में? कमर्शियल एक्ट्स और पॉलिटिकल एक्ट्स. किसके? कंपनी के. ऑप्शन नंबर ए इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ऑप्शन नंबर बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ऑप्शन नंबर सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793. एंड ऑप्शन नंबर डी इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था
कि इसमें हमारे जो कमर्शियल एक्ट्स थे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे किसके कंपनी के, उनको अलग अलग कर दिया था। ठीक है, जो कमर्शियल एक्ट्स थे, जो कमर्शियल फंक्शंस थे, वो कौन संभालता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो कौन संभालता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड फ्रेंड्स, जो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ याद रखनी है इस कि जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन नंबर 3। एंड फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखना कि जो हमारे ये फंक्शंस, इनको डिस्टिंग्विश किया गया था, इसको क्या बोलते थे? डबल गवर्नमेंट। दिस वॉज ऑल्सो नोन एज डुअल गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बोल रहे हैं कि इन फॉलोइंग में से कौन से एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया? ऑप्शन नंबर ए इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ऑप्शन नंबर बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ऑप्शन नंबर सी इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड ऑप्शन नंबर डी इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे गवर्नर थे बंगाल के, उनको क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो आप लोगों को सेकेंड थिंग याद रखनी है इसमें, एज वी ऑल नो दैट द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल, फर्स्ट सच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हास्टिंग्स, राइट? ये तो सबको पता है। उसके बाद जो आप लोगों को चीज़ याद रखनी है इस कि जो हमारे गवर्नर्स थे कहाँ के, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ये सब्स्टिट्यूट, मतलब ये किसके अंडर काम करते थे? अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। अदरवाइज पहले जो गवर्नर थे बंगाल के, गवर्नर थे बॉम्बे के और गवर्नर थे मद्रास के, ये तीनों अलग अलग एंटिटीज थी। बट अब जो गवर्नर्स थे किसके, बॉम्बे के और मद्रास के, ये किसके अंडर काम करते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट था जिसने एक्सटेंड कर दिया था ट्रेड मोनोपोली, कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही ट्रेड करेगी इंडिया में फॉर अनदर 20 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन नंबर बी इज इंडिया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एंड ऑप्शन नंबर डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सो फ्रेंड्स, इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जो हमारा मोनोपोली थी कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड होगी थी कौन से एक्ट के कारण? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। और ये मोनोपोली कब ख़त्म हुई थी? विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दिस मोनोपोली
एंडेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 5. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. सो फ्रेंड्स, मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को इसके बारे में बता के चुकी हूँ. सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की मोनोपोली इंडिया में कब खत्म हुई थी, किस एक्ट के अकॉर्डिंग खत्म हुई थी. ऑप्शन नंबर ए इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ऑप्शन नंबर बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1815. ऑप्शन नंबर सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड ऑप्शन नंबर डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. बस इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन थी कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, अब इसमें सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की मोनोपोली तो ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आ सकता था और वो ट्रेड कर सकता था इंडिया में, एक्सेप्ट द ट्रेड विद चाइना एंड इन टी. ठीक है, इसमें क्या था कि अब सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स नाउ अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अलाउड to trade in India except the trade with China and in tea. मतलब कि जो ट्रेड हमारा चाइना के साथ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो उनका ट्रेड था इन टी, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी मोनोपोली में आता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की मोनोपोली में ही आता था कि वही कर सकते हैं चाइना के साथ भी ट्रेड और इन टी में भी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 6. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अब हमें बताना है कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको डेजिग्नेट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर ए इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ऑप्शन नंबर बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ऑप्शन नंबर सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड ऑप्शन नंबर डी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1833. इससे क्या हुआ था कि जो हमारे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो कब बनाए गए थे, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और अब इनको क्या बना दिया गया था, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एंड जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड सच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन नंबर 7. मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. अब हमें क्या बताना है कि इन फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने एंड कर दिया था किसका, डबल गवर्नमेंट का. डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कब की गई थी, बाय पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ
1784, जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे. बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या किस किन मैटर्स को किन फंक्शंस को परफॉर्म करता था, जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते थे. और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो किसको फंक्शन करता था, किसको मैनेज करता था, जितने भी हमारे कमर्शियल अफेयर्स थे. और इसकी एंड इसका एंड कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ था. ऑप्शन नंबर ए इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ऑप्शन नंबर बी इज़ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. ऑप्शन नंबर सी इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. सो फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता चल गया. एक और मेन पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है इज कि जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, उनको डेजिग्नेट कर दिया गया था एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया विद द एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. मतलब जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1858, तब जो हमारे गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, वाइसराय ऑफ इंडिया के साथ. वॉज रिप्लेस्ड टू वाइसराय ऑफ इंडिया. ओके, एंड जो हमारे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर क्वेश्चन नंबर 8. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द कमांडर इन चीफ. अब हमें बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कौन से एक्ट ने, इन फॉलोइंग में से कौन से एक्ट ने कमांडर इन चीफ बनाया था. ऑप्शन नंबर ए इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ऑप्शन नंबर बी इज एक्ट ऑफ 1786. ऑप्शन नंबर सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड ऑप्शन नंबर डी वॉज इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्ट ऑफ 1786. ये एक्ट लाया ही सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे को कमांडर इन चीफ बन रहा है बनना है. ठीक है, सो ये कब लाया गया था, इन 1786. ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. अब हम इन फॉलोइंग में से बताना है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे बोलते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज लॉर्ड डलहौजी. ऑप्शन नंबर बी इज लॉर्ड हार्डिंगे. ऑप्शन नंबर सी इज लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन नंबर डी इज लॉर्ड डफरिन. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड मिंटो. एंड फ्रेंड्स, जो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक मेन पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा कम्युनल इलेक्टोरेट थे, ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे, लॉर्ड मिंटो ने. और ये किसके, कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए थे, इंट्रोड्यूस्ड विद द इंडियन काउंसिल्स एक्ट. ओके, और मैं ये भी बता देती हूँ, कम्युनल इलेक्टोरेट में था क्या कि जब मुस्लिम्स के लिए अलग, मुस्लिम्स सिख सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट सीट्स होने लगी थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर पीपीटी. फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इज फनकार सर अन अकेडमी भी अपनी लाइव क्लासेस ले रहे हैं. वहाँ पे सर पंजाब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं. सो आप लोग वहाँ पे जाके सर को ज्वाइन इन करो. सर बहुत अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.